सन 2015 के इस आखिरी प्रोग्राम के लिए आपके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सन 2015 पाकिस्तान को मुस्तहकम करके गया है। पाकिस्तान हर लिहाज से सन 2014 के मुकाबले में सन 2015 में मुस्तहकम हुआ है। पाकिस्तानियों का एतमाद पाकिस्तान पे बढ़ा है और मुख्तलिफ हवालों से लगता यह है कि पाकिस्तान एक अच्छी शाहराह पे चल चुका है और पाकिस्तान के लिए 2016-2017 यकीनी तौर पर बहुत बेहतर और शानदार साल साबित होंगे। गुज़िश्ता सालों के बरक्स पाकिस्तान में जमहूरियत इस साल में बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। अब कोई नहीं पूछ रहा कि हुकूमत आज जा रही है या कल। 2015 में सियासी उतार चढ़ाव से हटकर बिलउमूम जमहूरी इस्तेहकाम रहा है। पाकिस्तान जमहूरी तौर पर मुस्तहकम हुआ है। मुल्क में कहीं भी वस्त मुद्दती इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया जा रहा। दूसरी जमहूरी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में कोई शक नहीं है और ये इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और फिर बाकायदा पाकिस्तान तीसरी बार इंतकाल इख्तदार जमहूरियत के जरिए करेगा। अदलिया इंतजामिया और मुकदमे में सन 2015 में कहीं पर कोई टकराव नजर नहीं आ रहा जो कि रियासती इस्तेहकाम की सबसे बड़ी अलामत है। मुल्क में इस वक्त कोई बिल अमलन बड़ा सियासी कैदी नहीं है। किसी सियासी जमात पर एलानिया या गैर एलानिया पाबंदी नहीं है। ज़राए अबलाग को मीडिया बिलउमूम आज़ादी हासिल है। माजी के बरक्स मुल्क के किसी हिस्से से ना ज़बरदस्ती चैनल बंद होने की इतलात आ रही हैं ना केबल बंद होने की खबरें हैं। हमें चाहिए, हमें आदत पड़ चुकी है कि वही स्क्रीन जिस पर 24 घंटे बुरी खबरें सुने, मगर गुजरे 365 दिनों में पाकिस्तान में ऐसे मुतादिद मौके आए हैं जिनके मुस्तकबिल पर इंतहाई मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। खासतौर पर पिछले 365 दिनों में जो कुछ हुआ है, सबसे बड़ा वाकया हर सूरत में चीन के सदर शी जिनपिंग ने 20 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा किया जिसमें 46 अरब डॉलर के पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मनसूबे के माहिदे हुए। ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जो सन 2015 में सामने आया। President Xi Jinping arrived in Pakistan, announcing a $46 billion investment package that'll create a new network of roads, railways, and pipelines between the two countries. The corridor will shorten China's crude oil transportation route by 85%. गवादर में सड़कें बनना शुरू हो गई हैं। दिस विल बी अ न्यू ओपनिंग फॉर चाइनीज कंपनीज एंड चाइनीज इकॉनमी। चाइना इज एक्सपेंडिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंटरनेशनल पेव्ड रोड। एक जानेब पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मनसूबे पर काम हो चुका है, दूसरी जानेब अब से चंद दिन पहले ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने 10 अरब डॉलर के टापी गैस पाइपलाइन के मनसूबे का 13 दिसंबर को संग बुनियाद रखा गया है। ये बहुत अहम मनसूबा है, तवानाई के बुरान से निपटने में बहुत ज्यादा मावन साबित होगा। इसी दौरान पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में ड्रामाई तब्दीली आई है। फ्रांस में 2 मिनट की नवाज मोदी मुलाकात ने 25 दिन में सर्द मोहरी को गर्म जोशी में बदल दिया है। कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात, भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज और फिर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए, ऐसा लगा कि अचानक पूरा मंजर बदल गया है। यकीनी तौर पर यह पाकिस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है अगर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आते हैं और इसके लिए ठोस इकदाम करते हैं। ठोस क्या, बल्कि ड्रामाई इकदाम करते हैं और सिर्फ 25 दिन में पूरा माहौल बदल देते हैं। पाकिस्तानियों के एतमाद में बहाल होने की और बहुत बेहतरी आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसल्ला फाज और उसके सरबराह जनरल राहील शरीफ ने एक अज़्म मुसम्मम किया और जिसके जरिए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दी का बिला इम्तियाज खात्मा करने के लिए एक ज़बरदस्त मुहिम का आगाज किया गया और जिसके सम्राट हमने इस पूरे साल में देखे हैं। उनके आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। कौम की दवाओं
सप्ताह से अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के तमाम अदारों ने बेपनाह कोशिश और कुर्बानी देते हुए इस सूरत हाल पर काबू पा लिया है और रियासत की बालादस्ती कायम हो गई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सामने आई जब सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के मुजरिमों को जहन्नम वासिल किया गया। एक साल के अंदर ही मुलजमान की शनाख्त हुई, तफ्तीश की गई, मुकदमा चला और फिर उनको फांसी की सजा सुना के फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह पाकिस्तान की तारीख का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का एक बहुत बड़ी मिसाल थी। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के नतीजे में 3,400 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इसी साल उनके 837 ठिकाने तबाह बर्बाद किए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पहली बार ड्रोन तैयारा बराक बनाने में कामयाब हुआ, जिसने 22 अक्टूबर को अपनी ही पहली परवाज में शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में शव्वाल में 21 अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया। ड्रोन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने हासिल की, ये 2015 की एक बड़ी खबर थी। मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाकयात में 34% कमी आ चुकी है और 2014 में 5,496 अफराद दहशतगर्दी का शिकार बने थे, जबकि 2015 में 3,615 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने, तकरीबन 40% ये बेहतरी है। 2008 से अब तक 2015 वो वही साल है जिसके दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में सबसे ज्यादा कमी आई है। पाकिस्तान ने बहुत महफूज समझा जा रहा है सन 2015 में 2014 के मुकाबले में। दहशतगर्दों के पीछे पड़ गए हम अल्लाह का नाम लेके, और आप देखें अल्लाह के फजल करम से दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई है। सारी कौम इकट्ठी हो गई और कौम ने फैसला किया कि हम सब मुकाबला करेंगे एक बन के दहशतगर्दी का। तब से कौम इकट्ठी है, दहशतगर्दी नीचे आ रही है। पाकिस्तान की अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग कर रही है, हम उनके साथ शाना बशाना लड़ने के लिए हैं और शाना बशाना लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तमाम मजहबी इदारे आज मुल्क की पुश्त पर हैं, फौज की पुश्त पर हैं, कौम की पुश्त पर हैं, हकूमत की पुश्त पर हैं। इसी साल 2015 में 7 साल बाद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पे इस्लामाबाद में रिवायती फौजी परेड हुई। पाक फौज की बेमिसाल कार्रवाइयों ने कौम को तहफ्फुज का एहसास दिया और हमने पाकिस्तानियों ने इस साल 14 अगस्त को तारीखी अंदाज से जश्न आज़ादी भी मनाया। ये भी बहुत अहम बात है कि मुल्क के दो बड़े सूबे पंजाब और सिंध में इसी साल मरहलावार बलदियाती इलेक्शन मुकम्मल हुए और रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान और शेख रशीद की इंतखाबी इजाराधारी खत्म की और लोधरा के ज़िमनी इलेक्शन में जहांगीर तरीन ने कामयाबी हासिल की और तहरीक इंसाफ के आंसू पोछे और दूसरी बड़ी मजबूत जमात की हैसियत से सामने आई। पाकिस्तान में 6 साल बाद बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुले और 2015 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज खेली। लाहौर कराची मोटरवे और फैसलाबाद मोटरवे पर काम शुरू हुआ, जबकि लाहौर के बाद रावलपिंडी में मेट्रो बसें सड़कों पर रवा दवा नजर आई। रावलपिंडी में मेट्रो भी 2015 में आई। सरमायाकारों ने अरबों रुपए दुबई भेजने के बजाय कराची के अजीब शान तामीराती मंसूबों, बहरिया टाउन, डीएचए सिटी वगैरह में लगाने शुरू किए, जिसने कराची की इकोनॉमी की शक्ल बदल दी है। इन दोनों मंसूबों ने, यानी बहरिया टाउन ने और डीएचए सिटी ने, ईद उल फितर से कबल पूरे मुल्क में $2 अरब यानी कि रिकॉर्ड 225 अरब रुपए की ज्यादा की इस साल खरीदारी की गई। कराची वालों को ना जबरी जकात देनी पड़ी, ना फितरे की पर्चियां मिली और ना ही बकरीद पर खाले छीपने के वाकयात सामने आए। कराची वालों के लिए खुशगवार ईद और बकरीद थी। कराची में बाजार और तजारती मराकज धमकियां और भत्तों की पर्चियां मिलने पर रोजाना बंद हुआ करते थे, लेकिन 2015 में ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ। लियारी गैंग वॉर का खात्मा हुआ और अमन कमेटी का नाम कस्सा पारीना बन गया। इस तरह से कराची एक महफूज शहर नजर आता है, कहीं महफूज जो 2014 और 2013 में था। पाकिस्तानियों ने इनफरादी तौर पर भी शानदार झंडे गाड़े 2015 में, और वो भी कैसे और किस अंदाज से। दूसरे हवाले से पाकिस्तान की पॉजिटिव खबरें छोटे से कबर से ब्रेक के बाद।